शब्द बोध, शब्द बोध दी परिभाषा। व्याकरण दा ओह भाग जो शब्द भेद अते शब्द रचना बारे जानकारी दिंदा है उसनू शब्द बोध आखदे हन। शब्द, शब्द दी परिभाषा, एक जां एक तों वध अखरां दा समूह जिसका अर्थ होवे उसनू शब्द आखदे हन। शब्दां दे छोटे वड्डे रूपां नू वेखो, पढ़ो अते समझो। मम्मा कन्ना उत्ते टिप्पी मां, इड़ी नू सिहारी सस्सा तत्ता रारे बिहारी री, इस्त्री हाहे नू दुलावां दद्दा रारे नू कन्ना बब्बे नू कन्ना दद्दा हैदराबाद। उपरोक्त चित्रां विच मां शब्द एक अखर नाल कन्ना अते बिंदी लग के बनिया है, जदकि हैदराबाद पंज अखरां नाल दुलावां मुक्ता अते कन्ना लग के बनिया है। मां, इस्त्री, हैदराबाद आदि सारे ही शब्द अर्थ भरपूर हन। शब्दां दीआं किस्मां। पंजाबी व्याकरण विच शब्द दो प्रकार दे हुंदे हन, सार्थक शब्द अते निरार्थक शब्द। सार्थक शब्द, सार्थक शब्द ओ हुंदे हन जिन्हां दा कोई अर्थ होवे, जिवें रोटी, चाह, पानी, मिट्टी आदि। निरार्थक शब्द, जिन्हां शब्दां दा कोई अर्थ ना होवे निरार्थक शब्द हुंदे हन, जिवें रोटी राटी, चाह चू, पानी ताणी, मिट्टी मुट्टी आदि। इन्हां शब्दां विचों राटी, चू, ताणी अते मुट्टी निरार्थक शब्द हन। याद रखो, निरार्थक शब्दां दी इकल्ले तौर ते वरतों नहीं हो सकती, एह हमेशा सार्थक शब्दां नाल लग के ही अपना प्रभाव पाउंदे हन। इन्हां दी वरतों नाल साडी बोलचाल दी भाषा प्रभावशाली बनती है। सार्थक शब्दां दीआं किस्मां। पंजाबी व्याकरण विच सार्थक शब्द अठ प्रकार दे हन, नाम, पड़नाम, विशेषण, किरिया, किरिया विशेषण, संबंधक, योजक अते विस्मिक। नाम, जिन्हां शब्दां तों किसी व्यक्ति, स्थान, चीज आदि दे नां दा पता लगे व्याकरण विच नाम अखवांदे हन, जिवें स्वाति मिठा गाउंदी है, जलंधर पंजाब दा मशहूर जिला है, हरमंदर साहब नूं सुनहरी मंदिर भी आखदे हन, लाल किला दिल्ली विखे स्थित है। पड़नाम, जेड़े शब्द नाम दी थां ते वरते जान पड़नाम अखवांदे हन, जिवें मैं एक विद्यार्थी हां, असीं पढ़न जा रहे हां, कौन आया है, आपस विच मिलजुल के रहो, सारे बच्चे हाजिर सन। विशेषण, जेड़े शब्द नाम अते पड़नाम दी विशेषता दसन अते उन्हां नूं आम तों खास बनाउण विशेषण अखवांदे हन, जिवें मेरे कोल 50 रुपए हन, ओह 5 विद्यार्थी हन, राजू गोरा लड़का है, सानिया उच्चे कद दी कुड़ी है। किरिया, जिन्हां शब्दां तों काम दे होण करन दा काल सहत पता लगे किरिया अखवांदे हन, जिवें ओह 7 बजे उठदा है, धोबी कपड़े धोंदा है, किसान हल वाह चुका सी, बच्चे क्रिकेट खेड रहे हन। किरिया विशेषण, जेड़े शब्द किरिया दा समा, ढंग, तरीका, स्थान, प्रकार आदि दसन किरिया विशेषण अखवांदे हन, जिवें मोटा हलवाई हौली तुरदा है, कुत्ता कोठे उत्ते खड़ा है, प्रिंसिपल मैडम अंदर बैठे हन, भारती खिडारी तेज खेडे। संबंधक, जेड़े शब्द वाक विच नाम पड़नाम शब्दां दा वाक दे दूजे शब्दां नाल संबंध जोड़न संबंधक अखवांदे हन, जिवें उस दी कार पंचर है, एह राजे दा हाथी है, ओह मंदर कोल खड़ा है, रब बिना कोई सहाय नहीं है। योजक, जेड़े शब्द दो शब्दां वाकां वाकंशां नूं आपस विच जोड़न योजक अखवांदे हन, जिवें हनी अते मनी सके भरा हन, मेहनत करो तां जो पास हो जावो। तुसी हसोगे कि मैं हसावां, ओह हार गया क्योंकि बीमार सी। विस्मिक, जिन्हां शब्दां तों खुशी, गमी, हैरानी, फिटकार, प्रशंसा, सत्कार आदि दे भाव प्रगट होण विस्मिक अखवांदे हन, जिवें वाह मेरी 1 करोड़ दी लाटरी निकली, हाय एक ही हो गया, तुर फिटे मूं तेरे फेल हो जाण दे, शाबाश मैनू तेथों यही उम्मीद सी। शब्द रचना, बोली शब्दां दा समूह है, इसलिए बोली जां लिखी जांदी भाषा विच जेड़े शब्द वरते जांदे हन उन्हां नूं मुख तौर ते 2 हिस्सियां विच वंडिया जांदा है, मूल शब्द, रचित शब्द। मूल शब्द, जेड़े शब्द अपने आप विच पूर्ण इकाई होण अते जिन्हां नूं अगों तोड़िया ना जा सकदा होवे उन्हां नूं मूल शब्द आखदे हन, जिवें पाणी, खा, खेडां, मुख आदि। रचित शब्द, जेड़े शब्द मूल शब्दां तों भिन्न भिन्न प्रकार नाल रचे जाण उन्हां नूं रचित शब्द आखदे हन। रचित शब्द 2 प्रकार दे हुंदे हन, समासी शब्द, उत्पन्न शब्द। समासी शब्द, 2 जां 2 तों वध शब्दां दे जोड़ तों बने शब्द नूं समासी शब्द आखदे हन,
जिवें हरमन प्यारा, मन पसंद, अखंड पाठ आदि। उत्पन्न शब्द जिहड़े शब्द मूल शब्दां नाल अगेतर जां पिछेतर लगा के बनाए जाण, उत्पन्न शब्द अखवांदे हन, जिवें अणहोणी, ला इलाज, अगेतर वाले शब्द, दुखदाई, अड़ियल, पिछेतर वाले शब्द। शब्द रूपांतरण। शब्द रूपांतरण दी परिभाषा, उत्पन्न शब्दां दी इक वनगी शब्द रूपांतरण है। शब्दां दे इक रूप तों दूसरे रूप विच बदलण नूं शब्द रूपांतरण आखदे हन। रूपांतरण अनुसार शब्दां दे तीन भाग हन, संज्ञा, क्रिया, अव्यय। संज्ञा, जिन्हां शब्दां दा रूप, लिंग, वचन, कारक करके बदले, ना कि काल करके, उन्हां नूं संज्ञा आख्या जांदा है। नाम, पड़नाम ते विशेषण संज्ञा हन। क्रिया, जिन्हां शब्दां दा रूप, लिंग, वचन अते काल करके बदले, उन्हां नूं क्रिया आखदे हन। अव्यय, जिन्हां शब्दां दा रूप, लिंग, वचन, कारक अते काल करके ना बदले, उन्हां नूं अव्यय आखदे हन। याद रखण योग गल्लां, शब्द अक्खरां, लगां, लगाखरां दे मेल नाल बनदे हन। शब्द दो प्रकार दे हन, सार्थक शब्द अते निरार्थक शब्द। सार्थक शब्द 8 प्रकार दे हुंदे हन। शब्द रचना अनुसार शब्द 3 प्रकार दे हन। शब्द रूपांतरण अनुसार शब्दां दे 3 भेद हन।